ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस पेंट के इस भाग में हम सीखेंगे सेलेक्ट टूल का उपयोग करना, फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल का उपयोग करना, लाइन टूल का उपयोग करना, कर्व टूल का उपयोग करना और पॉलीगन टूल का उपयोग करना। अब हम सीखते हैं दूसरे टूल्स जिनकी मदद से हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। यहाँ पर देखिए, आपको एक चौकोर यहाँ पर टूल नज़र आ रहा है, ये है सिलेक्ट। इसकी मदद से आप इस ड्राइंग के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, इसमें जब आप सिलेक्ट करेंगे तो एक चौकोर के रूप में ही सिलेक्ट होगा। वो चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, इस पूरे को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई हिस्सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर वो सीधी रेखा में ही होगा या चौकोर रूप में ही होगा। और उतना ही हिस्सा, जितना आपने हिस्सा सिलेक्ट किया है, अब उतने हिस्से को आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या आप उसको चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। पर अगर आप इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्ट अपनी इच्छा के अनुसार सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप उसको केवल चौकोर में या सीधे भाग में ही नहीं लेना चाहते, पर आप इसको आड़ा तिरछा भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा टूल है जो कहलाता है फ्री फॉर्म सिलेक्ट। फ्री फॉर्म सिलेक्ट को चूज करके अब आप इसको जैसे चाहें और जिस भी स्टाइल में चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको आड़ा तिरछा जैसा भी चाहें वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया। अब अगर हम इसे डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, कट कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो जो हमने पार्ट सिलेक्ट और जिस स्टाइल में किया था वो उस स्टाइल में यहाँ से डिलीट हो गया। आइए अब सीखते हैं लाइन टूल का उपयोग करना। जैसे ही आप लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग मोटाई की लाइन्स आ जाती हैं। जिस मोटाई की लाइन आपको बनानी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे ही क्लिक करके आप इसको सीधे ड्रैग करते जाइए, लाइन बनेगी। पर अगर हमारा हाथ स्टडी नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आपकी लाइन इस तरह से तिरछी आएगी। इसके लिए या तो आप हाथ को बिल्कुल सीधा रखें, और नहीं तो सबसे आसान तरीका इसके लिए हम आपको बता देते हैं। आपके कीबोर्ड पर आप शिफ्ट की को दबाकर रखें और उसे दबाते हुए जब आप अपने माउस को ड्रैग करें कर्व टूल का उपयोग। इसका उपयोग हम करते हैं कर्व लाइन प्राप्त करने के लिए। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग मोटाई की लाइन आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का कर्व प्राप्त करने के लिए आपको तीन स्टेप्स में जाना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक लाइन आ जाएगी। दूसरी क्लिक में आप इसे जैसा शेप देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जिस भी तरह से आप इसको मोड़ना चाहें, कर्व करना चाहें, वो कर लें। तीसरे क्लिक में एक बार फिर अगर आप इसके शेप में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब तीन क्लिक्स में, या यूं कहें तीन स्टेप्स में, ये आपका फाइनल शेप आ गया है। इसमें अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आइए अब सीखते हैं पॉलीगॉन टूल का उपयोग। इस टूल की खासियत यह है कि इसमें आप जहां से अपना फिगर बनाना शुरू करते हैं वो उसी पॉइंट पर जाकर के खत्म होता है।
मान लीजिए इस पॉइंट से आपने कोई रेखा खींची और अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से कोई नई रेखा खींचना शुरू कर दें तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जहाँ आपने वो छोड़ी थी वहाँ से वो अगली लाइन इस पॉइंट तक ले लेगा और जिन भी पॉइंट्स पर आप क्लिक करते जाएंगे वो रेखा वहाँ अपने आप खींचता जाएगा। अब आप अगर चाहते हैं कि आप इस फिगर को यहीं पर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप जहाँ से आपने शुरू किया था उस पॉइंट पर जाकर क्लिक कर दें और इसके साथ ही आपका ये फिगर फाइनल हो गया है। एमएस पेंट के इस अध्याय में हमने सीखा सेलेक्ट टूल का उपयोग, फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल का उपयोग, लाइन टूल का उपयोग, कर्व टूल का उपयोग और पॉलीगन टूल का उपयोग।